खंडवा लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर दोनों दलों के नेताओं ने कमर कस ली। इस जीत के लिए दोनों दलों के नेता आम जनता की समस्या के निराकरण पर कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, केवल वोट की राजनीति के लिए दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे की कार्यशैली पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़वाए विधानसभा में आकर केवल अपने भाषण से मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। जिनके पास क्षेत्र के विकास और आम जनता की समस्या के सवालों पर कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाए में शनिवार दोपहर 12 बजे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एवं विधायक विशाल पटेल द्वारा फीता काटकर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सहित बूथ कांग्रेस के युवा उपस्थित हुए। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति पर कई आरोप लगाए, जबकि विधायक विशाल पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह को भारी मतों से आशीर्वाद देने की बात कही। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला, जीतू पटवारी, विशाल पटेल की उपस्थिति में प्रेस वार्ता हुई, जहां जीतू पटवारी ने भाजपा कार्यकाल में बढ़ती महंगाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी नशे को बढ़ावा दे रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए घातक साबित होगा, जबकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की इनकम डबल करने की बात कही थी, लेकिन इनकम तो डबल नहीं हुई, उल्टा उन्होंने खाद के भाव डबल कर दिए, बिजली के बिल बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया, गैस की टंकी 1000 रुपए की हो गई। इस महंगाई की मार हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के किसानों और आम जनता पर पड़ रही है। और हम सब लोगों ने भी आज बड़वा, सनावत, बेड़िया सभी दूर कार्यालयों का शुभारंभ करने का और यहीं से चुनाव का आगाज करने की, भाई जीतू जी पटवारी के नेतृत्व में हम सब लोग आज एकजुट होकर आदरणीय राजनारायण सिंह जी को जिताने के प्रयास में, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति आज पार्टी की है। सभी लोग पूर्ण प्रयास करेंगे तो ठाकुर राजनारायण सिंह जी यहां से विजय होकर जाएंगे। साथियों, बहुत अधिक नहीं कहते हुए, बहुत सारे वक्त हमारे बीच में है, आप सब लोग पुनः एकजुट होकर पूरी ताकत से इस अभियान में लग जाए और सभी अपने अपनी आहुतियां दें। इस भाव को लेकर पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार करता हूं। जय हिंद, नर्मदे हर। मध्य प्रदेश और देश की नई राजनीति आने वाले समय की दिशा और दिशा तय करने का चुनाव, खासकर मालवा और निमाड़ में जिस तरीके के किसानों के हालात है, वो चाहे मिर्ची की स्थिति को देख लो, चाहे कपास की स्थिति को देख लो, या वेजिटेबल जितनी भी लॉकडाउन और उसके दौरान और आज जो संभावना है आर्थिक आधार पर उसको देख लो। नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था कि मैं किसान की इनकम डबल करूंगा, उन्होंने किसान के खाद के भाव डबल कर दिए, किसान की बिजली के भाव डबल कर दिए, किसान की लागत डबल कर दी अलग अलग तरीके से, मैं मानता हूं, और ऊपर से 3 काले कानून लेके आ गए। इसका सीधा असर हमारे खासकर खंडवा लोकसभा के आम किसान पर पड़ने जा रहा है। मैं मानता हूँ ऐसी स्थिति में महंगाई की क्या हालात है, गरीब आदमी कैसे जिए, 200 रुपये खाने का तेल हो गया, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए, गैस की टंकी 1000 के ऊपर हो गई। ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी ने देश को नहीं कही थी, नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था कि मैं देश का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा। आज 8 साल होने को आ गए, जो अर्थव्यवस्था थी उससे नीचे चली गई, $5 ट्रिलियन तो दूर की बात है। मैं जैसा मानता हूं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, हर घर हर बेटा परिवार का बेरोजगार घूम रहा है और उस वेदना में उस चिंता में नशा कर रहा है, और नशे को आगे बढ़ाने में या फैलाने में भारतीय जनता पार्टी उसकी नीतियां, उसकी पूरी नीतियां एक मदद कर रही है। मैं मानता हूं ये सब परिवार परिवार समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं, केवल मैं बीजेपी का हूं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना मेरा दायित्व है, कार्यकर्ताओं को ये समझाया जा रहा है, और अलग अलग तरह की नफरत और घृणा की बातें बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की वो बातें जिसमें संघर्ष हुआ था, उन बातों का वादा और इरादा बताया जा रहा है, ये सब बातें देश को पीछे ले जाएगा। भैया बता, खंडवा के मतदाता इस भावना को समझते हैं। अरुण यादव जी ने जो उदाहरण पेश किया सर्वविदित है, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं मानता हूं उसके बाद सांसद के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी सोनिया जी ने जो निर्णय लिया, द बेस्ट है। सब मिलकर हम चुनाव 100% बड़े मार्जिन से जीते। भैया खरगोन जिले में सारे विधायक कांग्रेस के, फिर भी मुद्दा नहीं उठ रहा, जनता का क्या कारण है?
ये आपने कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? जो भी है, हाईवे का है, चौड़ीकरण का है, इंदौर इच्छापुर हाईवे सुधार का। अब आप देखो कि इंदौर इच्छापुर को लेकर पिछले 20 साल से वोट किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बात कर रही थी इंदौर इच्छापुर हाईवे को लेकर नंद कुमार चौहान ने किस तरीके से मन्नतें और किस तरीके से एक तरह से गुहार लगाई थी शिवराज सिंह जी ने के सामने या देश की सरकार के सामने, हुआ क्या? आज बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं। बड़वाई से यूडी न्यूज के लिए सोनू नायक की रिपोर्ट।